2 अक्टूबर हमारे राष्ट्र के लिए इस दिन का क्या महत्व है इसे बच्चा बच्चा जानता है। इस वर्ष का 2 अक्टूबर का और एक विशेष महत्व है। अब से 2 साल के लिए हम महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के निमित्त विश्व भर में अनेकविध कार्यक्रम करने वाले हैं। महात्मा गांधी के विचार ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया है। डॉक्टर मार्टिन ल्यूथर किंग जूनियर हो या नेल्सन मंडेला जैसी महान विभूतियां, हर किसी ने गांधी जी के विचारों से शक्ति पाई और अपने लोगों को समानता और सम्मान का हक दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ सके। आज के मन की बात में मैं आपके साथ पूज्य बापू के एक और महत्वपूर्ण कार्य की चर्चा करना चाहता हूं, जिसे अधिक से अधिक देशवासियों को जानना चाहिए। 1941 में महात्मा गांधी ने कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम यानी रचनात्मक कार्यक्रम के रूप में कुछ विचारों को लिखना शुरू किया। बाद में 1945 में जब स्वतंत्रता संग्राम ने जोर पकड़ा, तब उन्होंने उस विचार की संशोधित प्रति तैयार की। पूज्य बापू ने किसानों, गांवों, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा, स्वच्छता, शिक्षा के प्रसार जैसे अनेक विषयों पर अपने विचारों को देशवासियों के सामने रखा है। इसे गांधी चार्टर भी कहते हैं। पूज्य बापू लोक संग्राहक थे। लोगों से जुड़ जाना और उन्हें जोड़ लेना बापू की विशेषता थी। यह उनके स्वभाव में था। यह उनके व्यक्तित्व की सबसे अनूठी विशेषता के रूप में हर किसी ने अनुभव किया है। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को यह अनुभव कराया कि वह देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण और नितांत आवश्यक है। स्वतंत्रता संग्राम में उनका सबसे बड़ा योगदान ये रहा कि उन्होंने इसे एक व्यापक जन आंदोलन बना दिया। स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में महात्मा गांधी के आह्वान पर समाज के हर क्षेत्र, हर वर्ग के लोगों ने स्वयं को समर्पित कर दिया। बापू ने हम सबको एक प्रेरणादायक मंत्र दिया था, जिसे अक्सर गांधी जी का तलिस्मान के नाम से जाना जाता है। उसमें गांधी जी ने कहा था, मैं आपको एक जंतर देता हूं, जब भी तुम्हें संदेह हो या तुम्हारा अहम तुम पर हावी होने लगे, तो यह कसौटी अजमाओ, जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा हो उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या उससे उसे कुछ लाभ पहुंचेगा? क्या उससे वह अपने ही जीवन और भाग्य पर कुछ काबू रख सकेगा? यानी क्या उससे उन करोड़ों लोगों को स्वराज मिल सकेगा जिनके पेट भूखे हैं और आत्मा अतृप्त है? तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम समाप्त हो रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, गांधी जी का यह जंतर आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज देश में बढ़ता हुआ मध्यम वर्ग, बढ़ती हुई इसकी आर्थिक शक्ति, बढ़ता हुआ परचेजिंग पावर, क्या हम कुछ भी खरीदारी के लिए जाएं तो पल भर के लिए पूज्य बापू को स्मरण कर सकते हैं, पूज्य बापू के उस जंतर का स्मरण कर सकते हैं? क्या हम खरीदारी करते समय सोच सकते हैं कि मैं जो चीज खरीद रहा हूं उससे मेरे देश के किस नागरिक का लाभ होगा, किसके चेहरे पर खुशी आएगी, कौन भाग्यशाली होगा जिसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपकी खरीदी से लाभ होगा, और गरीब से गरीब को लाभ होगा तो मेरी खुशी अधिक से अधिक होगी। गांधी जी के जंतर को याद करते हुए आने वाले दिनों में हम जब भी कुछ खरीद करें, गांधी 150 जब मनाते हैं, तब हम जरूर देखें कि हमारी हर खरीदी में किसी न किसी देशवासी का भला होना चाहिए, और उसमें भी जिसने अपना पसीना बहाया है, जिसने अपने पैसे लगाए हैं, जिसने अपनी प्रतिभा खपाई है, उन सबको कुछ न कुछ लाभ होना चाहिए। यही तो गांधी का जंतर है, यही तो गांधी का संदेश है। और मुझे विश्वास है कि जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी, उसके जीवन में आपका एक छोटा सा कदम
बहुत बड़ा परिणाम ला सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, जब गांधी जी ने कहा था कि सफाई करोगे तो स्वतंत्रता मिलेगी, शायद उनको मालूम भी नहीं होगा कि कैसे होगा, पर यह हुआ, भारत को स्वतंत्रता मिली। इसी तरह आज हमको लग सकता है कि मेरे इस छोटे से कार्य से भी मेरे देश की आर्थिक उन्नति में, आर्थिक सशक्तिकरण में, गरीब को गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ताकत देने में मेरा बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और मैं समझता हूं कि आज के युग की यही सच्ची देशभक्ति है, यही पूज्य बापू को कार्यांजलि है।